दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं उस भारतीय महिला की कहानी जो महज 21 साल की उम्र में भारत की पहली महिला पायलट बन गई। जी हाँ, यह कहानी है सरला ठकराल की। ब्रिटिश राज में सरला ठकराल ने 21 साल की उम्र में 4 साल की बेटी की मां होने के बावजूद पायलट का लाइसेंस हासिल किया था। सरला ठकराल का जन्म 8 अगस्त 1914 को दिल्ली में हुआ था। महज 16 साल की उम्र में उनकी शादी पायलट पीजी शर्मा के साथ हो गई थी। सरला को लोग प्यार से मती कहते थे। शादी के कुछ समय बाद पीजी शर्मा ने देखा कि उनकी पत्नी मती को उड़ान भरने और विमानों के बारे में जानने की बड़ी जिज्ञासा है। तब पीजी शर्मा ने मती की इस रुचि को पंख देने का फैसला किया। हालांकि सरला को इसके लिए अच्छी ट्रेनिंग की जरूरत थी। अपने पति पीजी शर्मा का साथ और प्रोत्साहन पाकर सरला ने जोधपुर फ्लाइंग क्लब में ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग के दौरान पहली बार उन्होंने साल 1936 में लाहौर में जिप्सी मौथ नाम का 2 सीटर विमान उड़ाया। उनके बारे में कहा जाता था कि उन्होंने भारतीय परंपरा का मान रखते हुए साड़ी पहनकर पहली सोलो फ्लाइट में उड़ान भरी थी। उस उड़ान के बाद सरला ने कहा था कि जब मैंने पहली बार प्लेन उड़ाया तब ना केवल मेरे पति बल्कि मेरे ससुर भी खुश और उत्साहित थे। उन्होंने मुझे फ्लाइंग क्लब में दाखिला दिलाया। मुझे पता था कि मैं पुरुषों के इस कार्य में महिला होने के बावजूद डटी हुई हूँ, लेकिन मैं उन पुरुषों की प्रशंसा करती हूँ जिन्होंने मेरा समर्थन किया और हौसला बढ़ाया। सरला के पति पीजी शर्मा एक एयरमेल पायलट थे। वह एयरमेल के पहले लाइसेंसधारी थे। उन्होंने इस लाइसेंस के सहारे शुरुआती दिनों में कराची से लाहौर के बीच उड़ान भी भरी थी। सरला के ससुराल में कुल 9 लोग थे और सभी जहाज उड़ाने का अनुभव रखते थे। सरला को भी अब एयरमेल लाइसेंस का इंतजार था। उन्होंने इस लाइसेंस को पाने के लिए 1000 घंटे की उड़ान पूरी की और उन्हें लाइसेंस भी मिल गया। साल 1939 में जब दुनिया में दूसरे विश्व युद्ध की तैयारी चल रही थी, तब यह दौर सरला ठकराल के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण था। इस साल हुई 2 घटनाओं के कारण सरला की जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसी साल सरला के पति पीजी शर्मा का एक विमान क्रैश में निधन हो गया। पायलट बनने का ख्वाब टूटा, पर दृढ़ता के साथ उन्होंने जीवन की दूसरी पारी शुरू की। सरला की मुसीबतें यही नहीं खत्म हुई। दूसरे विश्व युद्ध के शुरू होने की वजह से सरला को अपनी ट्रेनिंग बीच में ही छोड़नी पड़ी। सरला उस दौरान एक कमर्शियल पायलट बनने की तैयारी कर रही थी, लेकिन उन विपरीत परिस्थितियों में भी सरला ठकराल ने हार नहीं मानी। उन्होंने लाहौर के मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स में फाइन आर्ट्स और चित्रकला की पढ़ाई पूरी की। फाइन आर्ट्स और चित्रकला का अध्ययन करने के बाद वह दिल्ली आ गई। दिल्ली आकर उन्होंने पेंटिंग और डिजाइनिंग में अपने नए करियर की शुरुआत की। साल 1947 में आज़ादी के बाद जब सरला दिल्ली आई, तब उन्होंने खुद को एक उद्यमी के तौर पर खड़ा किया। साल 1948 में उन्होंने आरपी ठकराल से शादी कर ली। दूसरी शादी से भी सरला को एक बेटी हुई। 15 मार्च 2008 को 91 साल की उम्र में सरला ठकराल का निधन हो गया। सरला ठकराल की उपलब्धियां भारतीय महिलाओं को प्रेरणा देने वाली है। उन्होंने यह साबित कर दिखाया कि अपने सपनों को हकीकत में कैसे बदला जा सकता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक या शेयर करना ना भूलें। इसी तरह के तमाम रोचक और अनसुनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को टैप कर दें, ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे।